हाय, माय नेम इज़ देव मिनोचा और मैं इंक प्लेजर का एक ट्रेनी, आई मीन स्टूडेंट हूँ। इंक प्लेजर ज्वाइन किए मुझे अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ हो चुका है। इंक प्लेजर ज्वाइन करने से पहले मुझे टैटू का टी भी नहीं आता था और पेंसिल भी मैंने लास्ट 4th क्लास में पकड़ी थी। टैटू सीखने का जुनून था और राहुल सर का साथ, तो इसीलिए मैंने इंक प्लेजर में अपनी जर्नी स्टार्ट करी। बहुत ही बेसिक ट्रेनिंग और एंटरटेनमेंट के साथ मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी और मुझे पता भी नहीं चला कि कब मेरे से टैटू बनने स्टार्ट हो गए। तो चलिए मैं आपको अपनी ट्रेनिंग का कुछ हिस्सा दिखाना चाहता हूँ, तो लेट्स गो। कुछ टैटूज जो हमने स्किन पैड पे किए थे, ये मेरा फर्स्ट टैटू है, दिस लोटस वन। आप देख सकते हैं इसमें कितने शेकी लाइंस हैं क्योंकि मेरा फर्स्ट टैटू था। मुझे काफ़ी अच्छा गाइड किया। उसके बाद मैंने जो अटेम्प्ट किया वो ये रहा, पूरा अच्छे से फिलिंग वगैरह के साथ हमने किया था शेडर से। उसके बाद ये हो गया, तो उसके बाद सर ने मेरे को टेस्ट दिया था एक छोटा सा, ये वाला, मेरे को जज करने के लिए कि मेरी लाइनिंग कैसी हुई। उसके बाद फिर हमने थोड़े पैथलेट्स किए। उसके बाद मैंने अटेम्प्ट किया था ये बो वाला, जो कि बहुत हद तक ठीक हो गया। उसके बाद सर ने मेरे को एक टास्क दिया था ये रोज़, जो कि सर को भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि मेरे से होगा, बट हमने ये वाला किया। उसके बाद आई डिड दिस। कैसा लग रहा है आप बताइए मुझे। आई थिंक ये वाला काफ़ी सही निकला है हमारा, लायन वाला। उससे पहले मैंने ये वाला किया था, सो मेरे को ज़रूर बताइए कि कैसा हुआ है। और ये सारे टैटूज हमने इन्हीं मशीन से करी हैं। सो गाइज, इट्स फाइनली टाइम कि मैं अपना पहला टैटू परफॉर्म करने जा रहा हूँ, और वो और किसी पे नहीं, वो मैं खुद पे ही परफॉर्म करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि और किसी पे परफॉर्म करने से पहले मुझे खुद पे करना चाहिए, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस होना चाहिए कि क्या पेन फील होगा, तभी मैं दूसरों के ऊपर वो अच्छे से कर पाऊँगा। और जो मैं आज अपने ऊपर टैटू परफॉर्म करने जा रहा हूँ, या फिर जितनी भी मेरी प्रैक्टिस हुई है, वो सर ने जो किट प्रोवाइड करी थी, किट प्रोवाइडेड बाय राहुल गुप्ता सर, उनसे ही मैं करने जा रहा हूँ। जो भी मैंने स्किन पैड पे प्रैक्टिस करी है और जितने भी टैटू करे हैं और जो मैं आज खुद पे करने जा रहा हूँ, सारी इन्हीं मशीन से हुई है और ये बहुत अच्छी मशीन है। हाय गाइस, आई होप आपने हमारे प्रीवियस प्रोसेस को एंजॉय किया। और अब हम करने जा रहे हैं अपना टैटू। सो ये मेरा स्टेंसिल जो है पेस्ट हो चुका है, और मैं अब आपको अपने सेटअप के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। सो यहाँ पे मैंने अपनी लाइनिंग वाली लाइनर मशीन सेट कर ली है, इससे हम पूरी लाइनिंग करेंगे, जो कि सर ने प्रोवाइड करी थी, ये वही वाली है। उसके बाद जब शेडिंग पे आएंगे तो हम शेडर मशीन यूज़ करेंगे, तो ये बहुत अच्छी मशीन है, इसको हम बाद में भी यूज़ करेंगे। इंक हमने यहाँ पे डाल ली है, पेट्रोलियम जली हो गई है हमारे पास, तो बस लेट्स गो। आई होप आप मेरे इस प्रोसेस को भी एंजॉय करेंगे।
सो गाइस दैट्स इट, मेरा टैटू कंप्लीट हो चुका है। होप आप सबको ये अच्छा लगा हो। प्लीज़ मेरे को बताइए कैसा किया मैंने, और आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।